हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम संस्कृति लेक्चर सीरीज में सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक सापेक्षवाद या कल्चरल रिलेटिविज्म किसे कहा जाता है। 19वीं सदी तक विभिन्न मानव शास्त्रियों ने किसी एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया, तुलना करने का प्रयास किया, जिसे संस्कृति की क्या कहा जाता है, निजाती केंद्रवाद या निजाती केंद्रित विचारधारा एथनोसेंट्रिक व्यू कहा जाता है। इसके अंतर्गत निजाती केंद्रित विचारधारा यह है कि किसी संस्कृति कोई संस्कृति के लोग अपने संस्कृति को श्रेष्ठ मानना और बाकी अन्य लोगों की संस्कृति को निकृष्ट मानने की भावना को ही निजाती केंद्रित विचारधारा कहा जाता है। उन लोगों ने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में विभिन्न प्रकार का विचार दिया जो कि काफ़ी पक्षपातपूर्ण था। वर्तमान समय में जो है मानव शास्त्र के क्षेत्र में विद्वानों की यह कोशिश यह रही है कि किसी संस्कृति विशेष को उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जाए, जो एक संस्कृति को या संस्कृति विशेष को उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जाए, ना कि किसी अन्य संस्कृति के संदर्भ में। जब हम किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, जब हम किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है, कल्चरल रिलेटिविज्म कहा जाता है। तो जब हम किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तुलना में कितनी अच्छी या खराब है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के आधार पर यह बात नहीं कहा जा सकता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तुलना में कितनी अच्छी या खराब है, क्योंकि किसी संस्कृति विशेष के अंतर्गत कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है। एक संस्कृति विशेष के अंतर्गत कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है। दो संस्कृतियों के बीच तुलना इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हर एक संस्कृति के अपने अपने क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। हर संस्कृति का अपना आदर्श होता है। कोई चीज़ अच्छी या खराब या अच्छी या बुरी किसी संस्कृति विशेष के संदर्भ में ही हो सकती है। दो संस्कृतियों के बीच तुलना नहीं होनी चाहिए। हर एक संस्कृति के अपने अपने आदर्श होते हैं, इसलिए जो है किसी संस्कृति में के अंतर्गत किसी चीज़ को हम अच्छा या बुरा संस्कृति विशेष के अंतर्गत ही कह सकते हैं। दो संस्कृतियों के बीच तुलना करके हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब जो है ये संस्कृति अच्छी या बुरी है, क्योंकि हर संस्कृति के अपने अपने आदर्श होते हैं। भारत में अगर मान लो देखते हैं कि किसी नवयुवती के विवाह के पूर्व संतान उत्पत्ति हो तो उसकी शादी में भारी परेशानी होती है। यदि एक कुमारी लड़की है उसकी विवाह से पूर्व संतान हो जाता है, तो इंडिया में ऐसा मतलब हमारा कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर उस लड़की के बारे में तरह तरह की बातें होंगी और उसका विवाह हो पाना जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि समाज इसे अच्छा नहीं मानता है, उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। पर इसके ठीक विपरीत, जैसे न्यू गिनी में अगर किसी कुमारी लड़की की संतान उत्पत्ति हो जाए, यदि न्यू गिनी में किसी कुमारी लड़के की संतान उत्पत्ति हो जाए तो उसके विवाह होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है। कुमारी लड़की जिसकी संतान उत्पत्ति हो गई उसके विवाह की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से यदि भारतीय संस्कृति में धोती एवं साड़ी पहनना समाज की परंपरागत मान्यताओं के अंतर्गत आता है, समाज की परंपरागत मान्यता यह मानती है कि लोग धोती और साड़ी पहने, जबकि उत्तरी ध्रुव के देशों की बात करें तो वहाँ विभिन्न किस्म के रोएदार वस्त्र पहनना वहाँ की परंपरा के अनुकूल है। तो इस तरह से हर संस्कृति का अपना अलग अलग मान्यता होता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के केंद्र में मुख्य विचार यह है कि कोई चीज़ सही या गलत जो होता है उस संस्कृति के पृष्ठभूमि में हो सकता है। कोई चीज़ जो है सही है या गलत है वह उसी संस्कृति के उस संस्कृति विशेष के पृष्ठभूमि में हो सकता है। जो एक संस्कृति में सही है वह दूसरी संस्कृति के अंतर्गत
गलत भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि भारत में विवाह, एक लड़की यदि के विवाह से पूर्व यदि संतान उत्पत्ति हो जाती है तो उसे गलत माना जाता है, जबकि दूसरी संस्कृति यदि हम न्यू गिनी की संस्कृति को देखें तो वहाँ विवाह पूर्व यदि संतान उत्पत्ति होता है तो उस लड़की के विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक जो चीज़ एक संस्कृति में सही है वह दूसरी संस्कृति के अंतर्गत गलत हो भी सकता है। मेटा स्पेंसर के अनुसार सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति जो होती हैं समान रूप से लाभकारी होती हैं। किसी संस्कृति को की तुलना किसी संस्कृति के कुछ चीज़ों की तुलना दूसरे संस्कृति के संदर्भ में करना जो है गलत बात है। सभी संस्कृति जो हैं समान रूप से लाभकारी हैं। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मुख्य विचार या कॉन्सेप्ट यह है कि हर संस्कृति जो है को अपने अपने संस्कृति के संदर्भ में देखना चाहिए। किसी एक संस्कृति की चीज़ों का दूसरी संस्कृति के संदर्भ में तुलना करना जो है गलत बात है। हमारा अगला चर्चा का विषय है निजातीय केंद्रवाद या एथनोसेंट्रिज्म। दूसरा टॉपिक है निजातीय केंद्रवाद, जिस पर हम चर्चा करेंगे। एथनोसेंट्रिज्म, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, निजातीय केंद्रवाद जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद के प्रतिकूल विचारधारा है। यह लगभग हर एक समाज या व्यक्ति में देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति के मन में यह धारणा हो कि उसकी संस्कृति जो है सबसे अच्छी है और दूसरे की संस्कृति निम्न स्तरीय है तो उसे निजातीय केंद्रवाद कहा जाता है। अपने संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, दूसरे की संस्कृति को निम्न स्तरीय मानना ही निजातीय केंद्रवाद कहलाता है। बहुत से आदिम जाति के लोग यह कहते पाए जाते हैं कि यह देश मूल रूप से उनका है, सभी व्यक्ति बाहरी हैं, तो उनकी बातों से निजातीय केंद्रित भाव परिलक्षित होता है। आदिम जाति के लोग ये कहते हैं कि यह देश जो है मूल रूप से उनका है, हम जो हैं यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, बाकी जो लोग आए हैं है ना वो बाहरी हैं, तो यह उनकी उनके द्वारा ये जो बात की जाती है वह निजातीय केंद्रित भाव को परिलक्षित करता है। पंजाबी अपने को बहुत तेज तर्रार और कर्मठ मानते हैं, तो ये क्या हो गया, अपने आप को सुपीरियर बताने वाली बात हो गई। बंगाली, तमिल या मलयालमी लोग अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी और सुसंस्कृत मानते हैं। वे अपनी तुलना में अन्य प्रदेश के लोगों को पिछड़ा मानते हैं। जैसे बहुत सारे गैर बिहारी बिहार को एक पिछड़ा प्रदेश बताकर अपने आप को उन्नतशील एवं विकसित साबित करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम निजातीय केंद्रित भावना के उदाहरण हैं। अपने चीज़ों को श्रेष्ठ बताना, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, अन्य की लोगों की संस्कृति को निकृष्ट बताना या निम्न बताना ही निजातीय केंद्रितवाद भावना है। लेजली ने जो है निजातीय केंद्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया कि निजातीय केंद्रवाद दूसरी की संस्कृति के रीति रिवाजों को अपनी संस्कृति से तुलना करने का कार्य है। निजातीय केंद्रवाद दूसरे की संस्कृति के रीति रिवाजों को अपनी संस्कृति से तुलना करने का कार्य है, और जहाँ दूसरे की संस्कृति को स्वाभाविक रूप से घटिया बतलाया जाता है, अपनी संस्कृति के आधार पर दूसरी संस्कृति को तौलना ही निजातीय केंद्रवाद की प्रवृत्ति है। कुल मिला के निजातीय केंद्रवाद जो है अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों को दूसरे की संस्कृति के रीति रिवाजों से तुलना करना और दूसरे की संस्कृति को स्वाभाविक रूप से घटिया बताने वाली वाला विचार है। अपनी संस्कृति के आधार पर दूसरी संस्कृति को तौलना निजातीय केंद्रवाद की प्रवृत्ति है, और यहाँ पर अपने संस्कृति को श्रेष्ठ बताया जाता है और दूसरे की संस्कृति को निकृष्ट या निम्न बताया जाता है। निजातीय केंद्रवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम ग्राहम समनर ने किया। उन्होंने
इस शब्द का प्रयोग एस्किमो प्रजाति के लोगों के संदर्भ में किया। अपने आप को इस दुनिया का मूल व्यक्ति मानते हैं। एस्किमो प्रजाति के जो लोग हैं अपने आप को इस दुनिया के मूल व्यक्ति मानते हैं। अपने आप को कोई मानव जाति समूह मानव की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु मान ले तो यह एक निजाती केंद्रित भावना है। समनर ने जो हैं विलियम ग्राहम समनर ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया निजाती केंद्रवाद का। उन्होंने एस्किमो जनजाति के या एस्किमो प्रजाति के लोगों के संदर्भ में इस अवधारणा का प्रयोग किया कि कोई मानव जाति समूह अपने आप को मानव की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु मान ले तो यह एक निजातीय केंद्रित भावना है। जब हम किसी समाज के संस्कृति के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास अपने आप को या अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करना होता है। इस तरह की भावना से दो समूहों के बीच जो है घृणा और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताएंगे दूसरे की संस्कृति को निकृष्ट या निम्न बताएंगे तो फिर दो संस्कृतियों में यहाँ पर क्या होगा, घृणा और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण जो है विश्व में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे हिटलर के मन में यही भावना काम कर रही थी कि वह बहुत ही श्रेष्ठ प्रजाति का है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उस समय हिटलर के मन में यही भावना काम कर रही थी कि वह बहुत ही श्रेष्ठ प्रजाति का प्रतिनिधि है। इसी भावना ने जो है हजारों लाखों यहूदियों का संहार करा दिया। कुछ दिन पहले जैसे USSR के विघटन में भी इस भावना की प्रधानता देखी गई थी। निजाती केंद्रित भावना अंग्रेजी के कुछ शब्दों से प्रकट होती है, जैसे चूजन प्यूपिल चुने हुए लोग, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, सुपीरियर रेस श्रेष्ठ प्रजाति, ट्रू बिलीवर्स सच्चे भक्त, बैकवर्ड्स पिछड़े लोग, बार्बरियन असभ्य लोग। इस तरह के शब्द, इन शब्दों से जो है निजातीय केंद्रित भावना साधारणतः प्रकट होती है। निजातीय केंद्रित भावना से यदि दो सांस्कृतिक समूहों के बीच कभी कभी तनाव होता है तो इसका प्रभाव अंतः समूह के लिए कभी कभी प्रकार्यात्मक भी होता है। निजातीय केंद्रित भावना से दो सांस्कृतिक समूहों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होता है तो यह अंतः समूह के लिए प्रकार्यात्मक भी होता है। प्रकार्यात्मक मतलब क्या होता है, वो अच्छा होता है अंतः समूह में, क्योंकि एकता बढ़ जाती है। दो अलग अलग समूहों सांस्कृतिक समूहों के बीच संस्कृत तनाव की स्थिति आती है तो अंतः समूह के लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो यह अंतः समूह के लिए प्रकार्यात्मक भी होता है। इस भावना के आधार पर समूह में आपसी एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलने लगता है। इस भावना के प्रभाव में लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। जब निजाती केंद्रित भावना के कारण दो सांस्कृतिक समूह के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह एक समूह विशेष के लिए, अपने अंतः समूह के लिए प्रकार्यात्मक भी होता है, क्योंकि लोग अपने समूह के लोगों के साथ आपसी एकता एवं अपनेपन की भावना बढ़ती है। इस भावना के प्रभाव में लोग एक दूसरे का मदद करने की कोशिश करते हैं। निजाती केंद्रित भावना के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधा पहुंचती है, क्योंकि लोग जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ और उन्नत मानते हैं वे अपने आप को आसानी से बदलना नहीं चाहते। निजाती केंद्रित भावना यदि है तो जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ और उन्नत मान रहे हैं वो अपने चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं। और यदि निजाती केंद्रित भावना के कारण दो सांस्कृतिक समूहों में यदि संघर्ष होता है, दो सांस्कृतिक समूह यदि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सामाजिक परिवर्तन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो इस तरह से निजाती केंद्रित भावना के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधा भी पहुँचती है, क्योंकि जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ और उन्नत मानते हैं वे उसे आसानी से बदलना नहीं चाहते हैं। और यदि निजाती केंद्रित भावना के कारण दो सांस्कृतिक समूहों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो समाज में सामाजिक परिवर्तन पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। तो कुल मिला के निजाती केंद्रित या निजाती केंद्रवाद की प्रवृत्ति या भावना का जो है इस विचार पर आधारित है कि यह लोगों का के मन में, एक समाज या व्यक्ति के मन में इस प्रकार की विचारधारा कि किसी व्यक्ति में यदि है कि वह अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा माने और दूसरे की संस्कृति को निम्न स्तरीय माने
तो ही उसे क्या कहा जाता है, निजातीय केंद्रवाद या फिर एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है गैर निजातीय केंद्रित भावना या जेनोसेंट्रिज्म। यह जो है निजातीय केंद्रित भावना के विपरीत एक दूसरी भावना जो होती है जिसका जस्ट अपोजिट होता है उसे गैर निजातीय केंद्रित भावना कहा जाता है। हर एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बाहर के समाज और संस्कृति को बेहतर मानते हैं। अपनी संस्कृति की चीज़ों को हेय दृष्टि से देखना और दूसरी संस्कृति को उत्कृष्ट मानना क्या कहलाता है, गैर निजातीय केंद्रित भावना कहा जाता है। गैर माने दूसरे के चीज़ों को अच्छा मानना, अपने संस्कृति की चीज़ों को हेय की दृष्टि से देखना, दूसरे की संस्कृति को उत्कृष्ट मानना ही गैर निजातीय केंद्रित भावना कही जाती है। जैसे पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारत में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपने देश की चीज़ों को हेय की दृष्टि से देखते हैं। अपने पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण ऐसा देखने को मिला है कि लोग अपने देश की चीज़ों को हेय की दृष्टि से देखते हैं और विदेश की चीज़ों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। यदि मान लो कोई कलम है, कोई मोबाइल है या फिर कोई घड़ी है, यदि भारत में बनी है तो वह अच्छी नहीं मानी जाती है, पर यदि उसी चीज़ पर मेड इन जापान या मेड इन USA लिखा रहता है तो वह अच्छा लगने लगता है। यह गैर निजातीय केंद्रित भावना की उपज है। अपने देश की चीज़ों को अच्छा नहीं मानना, दूसरे देश की चीज़ों को अच्छा मानना। ठीक इसके विपरीत यदि विदेश के चीज़ों के प्रति नफरत या दुश्मनगत भाव उत्पन्न हो तो उसे जो है जेनोफोबिया कहा जाता है। यदि हम दूसरे देश के चीज़ों को अच्छा मानते हैं तो उसे गैर निजातीय केंद्रित भावना कहा जाता है। इसके उल्टा भी हो सकता है, यदि हम विदेश की चीज़ों के प्रति यदि किसी व्यक्ति के मन में नफरत या दुश्मनगत भाव हो तो उसे जेनोफोबिया कहा जाता है। जैसे उगांडा के राष्ट्रपति जनरल इदी अमीन इसी भावना के शिकार हुए थे, जेनोफोबिया के शिकार हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने जो है उगांडा के जो राष्ट्रपति जनरल इदी अमीन थे वो जेनोफोबिया के शिकार हो गए थे। इसमें क्या होता है, विदेश की चीज़ों के प्रति नफरत या दुश्मनगत का भाव आ जाता है। तो वहाँ यदि उगांडा के राष्ट्रपति जनरल इदी अमीन जेनोफोबिया के शिकार हुए थे तो उन्होंने जो है लगभग 80,000 विदेशियों को उस देश से निष्कासित कर दिया, युगांडा देश से जो है निकाल दिया। वह काफ़ी विदेशियों को वहां पर जान गंवानी भी पड़ी और 80,000 विदेशियों को उन्होंने देश से निष्कासित कर दिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 के दशक में जो है तीखी आलोचना हुई थी। तो इस तरह से जो है गैर निजातीय केंद्रित वाद या फिर गैर निजातीय केंद्रवाद की भावना यह है कि अपने संस्कृति को जब समाज के लोग अपने समाज और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बाहर के समाज और संस्कृति को बेहतर मानते हैं तो उसे गैर निजातीय केंद्रित भावना कहा जाता है, और इसके जिसे जेनोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा जेनोफोबिया यानी गैर निजातीय केंद्रित भावना के विपरीत एक भावना है जिसे जेनोफोबिया कहा जाता है, जिसमें हम दूसरे देश समाज या संस्कृति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो उसे जेनोफोबिया कहा जाता है। तो ये हो गया गैर निजातीय केंद्रवाद भावना और साथ ही साथ जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब दूसरे की संस्कृति के प्रति हमारे मन में डर या की भावना, और गैर निजातीय केंद्रितवाद भावना में क्या होता है, अपने संस्कृति और समाज को घृणा की दृष्टि से देखना और बाहर के समाज और संस्कृति को बेहतर मानने की भावना को जो है गैर निजातीय केंद्रितवाद भावना कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, निजातीय केंद्रवाद और गैर निजातीय केंद्रवाद साथ ही साथ जेनोफोबिया की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको उपयोगी जानकारी मिल सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह से नेट सेट के से संबंधित समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।